नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 2 मार्च। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप क्रिकेट से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिखना होगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार सरकार अब टॉपर छात्रों को देगी लैपटॉप। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब ट्रैक पर ही देना होगा टेस्ट। बिना रिजर्वेशन के अब जनरल बोगी में कर सकेंगे सफर। तीसरे दिन बिहार के 32 छात्र यूक्रेन से पहुंचे बिहार। एक्सीडेंट और चालान दोनों से बचाएगा गूगल एप्स। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। तीसरे दिन बिहार के 32 छात्र यूक्रेन से पहुंचे बिहार। यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव को ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकार अपने नागरिकों को तेजी से यूक्रेन से निकालने का काम कर रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार भी इसी जुगत में लगी है, जिसके तहत तेजी से अब बिहार के छात्रों को वापस लाने का काम हो रहा है। बीते दिन भी बिहार में 32 छात्र की वापसी हुई। मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार मंगलवार को 32 छात्र पटना एयरपोर्ट पहुंचे। इस तरह अब तक 87 मेडिकल छात्र छात्राएं बिहार वापस आ चुके हैं। ये लोग यूक्रेन के उजोहर्ट नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अब भी काफी संख्या में छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अनुरंजन झा की। अनुरंजन झा एक भारतीय पत्रकार है जो भारतीय राजनीति, समाज और मनोरंजन से संबंधित विषयों को कवर करते हैं। वो एक ऑनलाइन मनोरंजन और करंट अफेयर्स वेबसाइट मीडिया सरकार के संस्थापक भी थे, जिसने 2013 में आम आदमी पार्टी पर एक स्टिंग ऑपरेशन करने का दावा किया था। इससे पहले झा ने भारत का पहला वैवाहिक टेलीविजन चैनल शगुन टीवी भी लॉन्च किया था। पत्रकारिता में उनका करियर 22 साल का है। शगुन टीवी लॉन्च करने से पहले झा ने इंडिया टीवी, कोबरा पोस्ट, जी न्यूज, आज तक, बीएजी फिल्म्स, इंडिया न्यूज और जनसत्ता के साथ काम किया है। वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में एक विवादास्पद किताब रामलीला मैदान के लेखक भी है। बिहार के सभी सरकारी कर्मियों को अब डिजिटल मोड में मिलेगी हर मदद। बिहार सरकार के कर्मी अब डिजिटल मोड में ही अपनी सेवा से संबंधित जानकारी लेने वाले हैं। राज्य कर्मियों की कार्मिक संरचना, सेवा शर्त, देय लाभ, सेवा पुस्तिका और उनसे जुड़े अभिलेखों के डिजिटलीकरण और सेवा संबंधी सुविधाओं की सरलता के लिए मानव संसाधन प्रणाली विकसित करने का काम हो रहा है। नए वित्तीय वर्ष के लिए अब सामान्य प्रशासन विभाग के बजट में भी इसको लेकर कई बातें कही गई हैं। इस प्रणाली के लागू हो जाने से सरकारी सेवकों को उनकी पूरी सेवा की जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगी। सेवा के सभी प्रकरण में पारदर्शिता के साथ ही आने वाले दिनों में कम समय में निर्णय लेने में सहूलियत भी होगी। बिहार सरकार अब टॉपर छात्रों को देगी लैपटॉप। बिहार सरकार अगले साल से टॉपर छात्रों को लैपटॉप देने की योजना बना रही है। सरकार की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार अब अगले साल से ही विज्ञान दिवस के दिन जिला टॉपरों को लैपटॉप देगी। इसके तहत ही विज्ञान दिवस के एक दिन पहले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें ही इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के छात्र हिस्सा लेंगे। इसमें ही जिला स्तर पर टॉप करने वाले छात्र को लैपटॉप देने का काम किया जाएगा, जिसका ऐलान विज्ञान दिवस के मौके पर ही किया गया है। इस पर ही बिहार सरकार की इस नई योजना से बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने उक्त बातों की जानकारी भी दी है। अब बिहार की सभी सड़कें होंगी चकाचक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से बिहार की कुर्सी संभाली है, तब से ही उनके प्रमुख एजेंडों में सड़कों का जीर्णोद्धार, निर्माण और रखरखाव अहम रहा है। यही कारण है कि सीएम नीतीश के पूरे शासनकाल में अब तक कई सड़कों का निर्माण हो चुका है और कईयों पर काम चल रहा है। इसी बीच अब बिहार की सड़कों को चकाचक बनाने की गूंज फिर से सुनाई देने लगी है, क्योंकि बिहार सरकार का यही मकसद है कि राज्य में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाया जाए। यही कारण भी है कि बजट में सड़कों के रखरखाव के लिए 16,430 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई है। इसी के साथ ग्रामीण कार्य विभाग के तहत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत सभी जिलों में 250 से अधिक जनसंख्या वाले सभी टोला या बसावटों को साल 2022-23 तक 12 मासी एकल सड़क संपर्कता देने का लक्ष्य भी तय किया गया है। बिहार में एक साल में हुई इतने मासूमों के दिल का इलाज। बिहार में जन्म के समय ही जिन भी नवजात शिशुओं को दिल से संबंधित बीमारी थी, उनके इलाज का जिम्मा बिहार सरकार ने खुद ही उठा रखा है, जिसके तहत ही पिछले एक साल में कितने मासूमों की दिल की सर्जरी हुई है, उसकी जानकारी अब निकल करके सामने आई है।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है। विभाग द्वारा चलाई जा रही बाल हृदय योजना के तहत एक साल के दौरान 266 मासूमों के दिल की सर्जरी हुई, जिसकी वजह से उन्हें नई जिंदगी मिली है। ये बच्चे दिल में छेद से पीड़ित थे। विभाग की यह महत्वाकांक्षी योजना न सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है, बल्कि उनका घर भी रोशन हो रहा है। ये योजना बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC ने निकाली रिक्तियां। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC ने इंजीनियरिंग कार्यकारी प्रशिक्षु के कुल मिलाकर 40 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, खनन है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक विषय में 65% अंकों के साथ डिग्री और गेट 2021 में उपस्थित होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 10 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ntpccareers.net पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिना रिजर्वेशन के अब जनरल बोगी में कर सकेंगे सफर। बिहार समेत देश में कोरोना की तीसरी लहर के मामलों में अब लगभग कमी आ गई है। ऐसे में अब ट्रेनों के परिचालन में भी तेजी लाई जा रही है। बता दें कि इसी महीने से होली का त्यौहार को लेकर के ट्रेनों की बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान ट्रेन में लोड भी ज्यादा होता है। ऐसे में अब रेलवे ने कोरोना काल के समय लगे नियम कानून में बड़ा बदलाव किया है। बता दें कि कोरोना काल के समय जनरल कोच में सफर करने के लिए भी आपको टिकट पहले बुक करना होता था, लेकिन अब रेलवे ने एक बार फिर से इसमें बड़ा बदलाव करते हुए जनरल बोगी में बिना आरक्षण के भी सफर करने का विकल्प दिया है। इसके लिए आपको बस जनरल कोच का टिकट लेना है। ऐसे में आपके पास आरक्षण का किराया बच जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि अब ट्रेनों में सेकंड क्लास बोगी यानी कि जनरल कोच को अनारक्षित कर दिया गया है। 4 मार्च के बाद और बढ़ेगी गर्मी। बिहार में ठंड अब लगभग खत्म हो गया है। हालांकि रात के समय में अभी भी लोगों को थोड़ी ठंडक जरूर महसूस हो रही है, लेकिन अब बिना स्वेटर का गुजारा भी होने लगा है। इसी बीच राज्य के कई हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि प्रदेश के दक्षिणी भाग के एक दो स्थानों में मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने की भी सूचना है। इन मौसमी कारकों के प्रभाव से प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण पूर्व भाग के एक दो स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान है और बाकी के भागों में मौसम शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। 1 मार्च 2022 यानी कि बीते दिन से लेकर अगले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है और आसमान साफ रहने का भी अनुमान लगाया गया है। इस दिन तक मिलेगा STET का अंक पत्र। STET परीक्षा 2019 के अंक पत्र का वितरण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जल्द ही करने वाला है। इसको लेकर पटना के राजेंद्र नगर में काउंटर भी बनाने का काम पूरा हो गया है, जहां से छात्र आसानी से अपना अंक पत्र हासिल कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 2 मार्च से लेकर 5 मार्च तक 17,000 छात्र छात्राओं के बीच STET परीक्षा 2019 के अंक पत्र का वितरण किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने छात्र छात्राओं को हर हाल में 5 मार्च तक अंक पत्र प्राप्त करने की बात कही है। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका। हाल ही में बिहार सरकार ने एक जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया था, जिसके तहत ही बिहार सरकार ने लोहार जाति को ST की श्रेणी में रखा था। बिहार सरकार के इसी फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और बिहार सरकार के निर्णय को गलत करार कर दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपए देने का भी आदेश जारी किया है। इसको लेकर कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लोहार और लोहारा दो अलग अलग जातियां हैं। एक जैसा नाम होने के कारण लोहार को ST नहीं माना जाएगा। इसको लेकर न्यायाधीश KM जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा कि लोहार को ST में शामिल करना पूरी तरह से गैरकानूनी और मनमानी है। इसे लोहारा के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब ट्रैक पर ही देना होगा टेस्ट। बिहार सरकार अब पुरानी योजनाओं को रफ्तार देकर पूरा करने की पहल तेज कर रही है। यही कारण है कि सरकार की इस पहल को सफल बनाने के लिए परिवहन विभाग भी अब तेजी से काम कर रहा है, जिसके तहत ही परिवहन के क्षेत्र में इस साल 22 करोड़ की कटौती होने के बावजूद विभाग ने अब अपना ध्यान सभी पुरानी योजनाओं को सफल बनाने की तरफ केंद्रित किया है। इसको लेकर ही अब विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए हर जिले में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना करने की योजना पहले ही बना रखी है। फिलहाल 15 जिलों में प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। औरंगाबाद को छोड़कर बाकी सभी जिलों में 2-2 मोटर वाहन परिवहन संस्थान खोले जाएंगे, जिसके बाद ही अब ट्रैक पर टेस्टिंग की प्रक्रिया भी तेज होगी।
इस दिन के बाद शहरी इलाकों में नहीं चलेगी डीजल वाली ऑटो गाड़ी। बिहार में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में बिहार से डीजल वाले वाहनों को एक एक करके हटाने का काम भी किया जा रहा है। पहले बिहार की सड़कों पर सीएनजी बसों के परिचालन के बाद ही अब 31 मार्च से शहरी इलाकों में डीजल वाले तिपहिया वाहनों के परिचालन को भी बंद करने का ऐलान किया गया है। परिवहन विभाग के बजट में बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के अंतर्गत पटना नगर निगम, दानापुर खगौल और फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित ऑटो का परिचालन बंद हो जाएगा। ज्ञात हो वर्तमान समय से राजधानी में चलने वाले 70% ऑटो को सीएनजी में तब्दील किया जा चुका है। जिन्होंने अब तक ये नहीं किया है अब उनके ऑटो को 31 मार्च के बाद सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी। बिहार के बजट से नाखुश दिखे वकील, आंदोलन की बढ़ी आशंका। सोमवार को ही बिहार का बजट पेश कर दिया गया। हालांकि इस बार के बजट से वकीलों को काफी उम्मीदें थी लेकिन उनके उम्मीद के अनुसार बजट पेश नहीं किया गया, जिसके बाद से ही पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी नाराजगी जताई है, जिसके तहत ही हाईकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघों के समन्वय समिति के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने स्थिति पर गहरा आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य के 125,000 वकील कानून के तहत स्थिति के विरोध में बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। ज्ञात हो बजट पेश होने से पहले राज्य की अदालतों में वकीलों के लिए अदालत परिसर में बैठने की समुचित व्यवस्था, लाइब्रेरी, शौचालय और आधुनिक तकनीक मुहैया करवाए समेत अन्य मांग रखी थी, लेकिन पेश किए गए बजट में इसको लेकर कोई भी ऐलान नहीं हुआ। सहरसा जिले के उग्रतारा स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सहरसा जिला में महिषी में स्थित है उग्रतारा स्थान। ये प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि भगवती सती का बायां नेत्र यहां गिरा था। ये स्थान तंत्र साधना के लिए विख्यात है। यही उद्भट विद्वान मंडन मिश्र का जन्म हुआ था, जिनकी विदुषी पत्नी भारती से जगत गुरु शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हार का सामना करना पड़ा था। मंदिर का निर्माण सन 1735 में रानी पद्मावती ने करवाया था। यहां बिहार के अतिरिक्त नेपाल के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। बंगाल के साधक भी यहां साल भर पहुंचते रहते हैं। बिहार के डेटा ऑपरेटर ने सरकार से लगाई गुहार। बिहार में वैसे ही बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। इसी बीच पिछले दो दशक से सेवा दे रहे कई विभाग के डेटा ऑपरेटर की नौकरी पर भी तलवार लटकी है। ये ऐसे ऑपरेटर है जो इतने लंबे समय से बिना किसी शर्त के अपनी सेवा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन बदले में अब इन्हें कभी भी नौकरी से हटाया जा सकता है, जिसके बाद ही अब डेटा ऑपरेटर में संविदा पर कार्यरत इन कर्मियों ने शिक्षकों और पुस्तकालाध्यक्षों के लिए सेवा शर्त बनाए जाने के बाद बेल्ट्रॉन के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी सेवा शर्त और नियमावली बनाए जाने की मांग की है। इसको लेकर बिहार राज्य डेटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ द्वारा शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी की गई है। दिल्ली के लोग अब बिहार के इस गुलाल से मनाएंगे अपनी होली। कोरोना की तीसरी लहर पर लगे ब्रेक के बाद ही अब पूरी पूरी उम्मीद है कि रंगों के त्योहार को धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर अभी से ही बाजारों में रौनक भी दिखाई दे रही है। इसी बीच अब दिल्ली में खेली जाने वाली होली को लेकर बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार दिल्ली के लोग इस बार बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में तैयार हर्बल गुलाल से होली खेलने वाले हैं। अलग अलग रंगों में बने गुलाल की खादी केंद्र के माध्यम से बिक्री का काम शुरू हो चुका है। हाल ही में खादी भंडार करार के बाद 15 क्विंटल गुलाल की पहली खेप वहां भेजी गई है। आपको बता दें कि इस हर्बल गुलाल तैयार करने के लिए चुकंदर, गेंदे का फूल पत्ती, सिंदूर का बीज, हल्दी, सेम का पत्ता, गाजर, पालक, कच्ची हल्दी, नीम पत्ता, अरारोट का उपयोग किया जाता है। इस दिन बिहार में फिर से गोलबंद हो रहे हैं शिक्षक। बीते कई दिनों से पटना समेत कई जिलों की सड़कों पर शिक्षकों का विरोध देखकर तो यही समझ आ रहा है कि बिहार के शिक्षकों और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसी बीच अब बिहार के नियोजित शिक्षकों ने सरकार पर अब वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, जिसके तहत प्रदेश भर के नव प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त किए 3 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन लंबित मांगों पर विचार नहीं किया गया, जिसके बाद ही कई लंबित मांगों को लेकर राज्य के नियोजित शिक्षकों ने अब गोलबंद होकर 3 मार्च को आंदोलन की चेतावनी दे दी है। नव प्रशिक्षित शिक्षकों के बकाया अंतर वेतन को लेकर टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने राज्य परियोजना निदेशालय को फिर से आंदोलन का ज्ञापन दिया है। वित्त विभाग द्वारा पत्र जारी कर सभी प्रकार के बकाया भुगतान के निर्देश को दे दिया गया था, लेकिन अभी तक नव प्रशिक्षित शिक्षकों के बकाया अंतर वेतन, विभिन्न जिलों के शिक्षकों के हड़ताल अवधि का बकाया वेतन, मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश और अन्य बकाया वेतन और अंतर वेतन का अब तक भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण ही शिक्षक गुस्से में हैं।
धूमधाम से मना बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का जन्मदिन। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना 71वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान जदयू के सभी कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाया, जिसके तहत ही आरसीपी सिंह समेत अन्य कार्यकर्ता ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। वहीं गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 71वें जन्मदिवस पर जिलाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद, विजय कुमार मांझी, सांसद गया मनोरमा देवी, जनता दल यूनाइटेड के साथियों और गया शहर के प्रबुद्ध लोगों के साथ मिलकर उनके जन्मदिन पर उनके दीर्घायु के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। वहीं उनके गृह जिले में भी धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया। वहीं उनके जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी थी। चिराग ने संजय सिंह को दिखाया बाहर का रास्ता। परिवार में हुई फूट और फिर पार्टी के दो हिस्सों में बंटने के बाद अब चिराग बिहार में पार्टी की स्थिति सुधारने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि चिराग अब थोड़ी सी भी भूल करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच ऐसी कई खबरें आती रही हैं कि लोजपा के बीच गुटबाजी हो रही है, जिसको देखते हुए अब पार्टी में गुटबाजी से नाराज चिराग पासवान ने बड़े फैसले लेना शुरू कर दिया है। चिराग ने पार्टी के संगठन का काम देख रहे संजय सिंह को संगठन मंत्री पद से हटा दिया। इसको लेकर पत्र भी बीते दिन जारी कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि संजय सिंह को संगठन मंत्री के पद से मुक्त करते हुए उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। बिहार डीएनए पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। बिहार के नाम पर अब तक कई राजनेताओं ने विवाद खड़ा कर दिया है। हाल ही में पंजाब के सीएम चन्नी का बयान आपको याद ही होगा, जिसके बाद उन्हें काफी ज्यादा आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। इसी बीच अब तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष ने बिहार के नाम पर दिए गए बयान ने नया विवाद उठा दिया है, जिसके तहत ही ए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना पर बिहारियों का राज होने की बात कहते हुए सीएम चंद्रशेखर राव के डीएनए को बिहारी बताया। रेड्डी ने अपने बयान में कहा कि चंद्रशेखर राव के पूर्वज बिहार से हैं, जिसे वो खुद स्वीकार कर चुके हैं। एक्सीडेंट और चालान दोनों से बचाएगा गूगल ऐप। अनजान रास्तों पर गूगल मैप्स एक लाइफ सेवर की तरह काम करता है। इसमें दिए गए टूल्स कम से कम समय में हमें सही मंजिल तक पहुंचने में मदद करते हैं। गूगल मैप्स में एक ऐसा टूल भी दिया गया है जो न सिर्फ आपको दुर्घटना से बचा सकता है, बल्कि ट्रैफिक चालान कटने से भी बचा सकता है। हम जिस फीचर की बात कर रहे हैं वो है गूगल मैप्स स्पीड लिमिट वार्निंग। इसके तहत गूगल ऐप को आपके वाहन के स्पीड को पहचानता है और आपको अलर्ट कर देता है। स्पीड लिमिट फीचर का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि आपके पास गूगल मैप्स का लेटेस्ट वर्जन हो। इसलिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर पर जाकर इसे आप अपडेट कर लें। जब बादाम फेम सिंगर भुवन बडियाकर अस्पताल में भर्ती। कच्चा बादाम का क्रेज इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। इसके बाद से ही गलियों में मूंगफली बेचने वाले भुवन की किस्मत ही बदल गई। हालांकि अभी वो अपनी शोहरत का लुत्फ उठा ही रहे थे कि इसी बीच उनके साथ बीते दिन बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद से ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार हादसे में उन्हें कई जगह चोटें आई है। भुवन बडियाकर को पश्चिम बंगाल के बीरभूम स्थित सरे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस खबर के आने के बाद सिंगर के फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि भुवन ने फेमस होने के बाद एक सेकेंड हैंड कार खरीदी थी। वो कार चलाना सीख रहे थे और इस दौरान वो गंभीर सड़क हादसे का शिकार हो गए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। बिहार की राजधानी पटना में 1982 में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन आज के दिन हुआ था। नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच 2006 में ऐतिहासिक परमाणु समझौता संपन्न आज के दिन हुआ था। भारत ने 2006 में परमाणु शक्ति के संबंध में अमेरिका के साथ राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के दिल्ली आगमन पर समझौता आज के दिन किया था। भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी जयंत तालुकदार का 1986 में जन्म आज के दिन हुआ था। राजनीतिज्ञ बसंत सिंह खालसा का 1932 में जन्म आज के दिन हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजा राम का 1700 में सिंगड़ में निधन आज के दिन हुआ था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली और भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू का 1949 में निधन आज के दिन हुआ था। श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट मैच में खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन। टी20 सीरीज में श्रीलंका का सूपड़ा साफ करने के बाद टीम इंडिया अब टेस्ट सीरीज में भी श्रीलंकाई शेरों को पटखनी देने के लिए तैयार है। दोनों टीम 4 मार्च से 30,000 दर्शकों की क्षमता वाले मोहाली के पीसीए स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट खेलने वाली है। टेस्ट सीरीज में कई सीनियर खिलाड़ियों की वापसी होने वाली है। इनमें स्टार ऑफ रविचंद्रन अश्विन और पूर्व कप्तान विराट कोहली भी शामिल है। अश्विन जनवरी दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टेस्ट टीम का हिस्सा थे। भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने संकेत दिए हैं कि अश्विन श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में भी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, बाबूलाल मरांडी, ललन कुमार,
तरनेज आलम, निकिता कुमारी, अनवर करीम, रंजीत कुमार, सागर सावरिया, राजीव कुमार, अजय शर्मा, अंजलि कुमारी, गोपाल कुमार, नीतीश कुमार, राजीव रंजन। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार यूक्रेन में फंसे बिहारी छात्रों को वापस लाने के लिए बिहार सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयास से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।